यहाँ पर दो तीन बड़े अहम सवाल हैं जो जन्म लेते हैं, क्योंकि इस वक्त FIA जो है और दीगर जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उनकी फुर्तियां नजर आ रही हैं। और दूसरी जानब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी उसके हवाले से रिपोर्ट तलब कर ली और कहा है कि इसको बर वक्त क्यों नहीं रोका गया। सही बात है, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अपना सवाल है। उसी सवाल से मैं ये कहूँगा कि वज़ीर आज़म साहब, क्या आप ये पूछने की जिसारत करेंगे? एजेंटों को तो पकड़ा जा रहा है जो इसके अंदर बिल्कुल मुलव्वस होते हैं, क्योंकि कोई भी एजेंट जो है बॉर्डर पार ऐसे नहीं चला जाता। उसके लिए जाहिर सी बात है अंदरूनी हाथ भी मुलव्वस होते हैं और कहीं ना कहीं लेन देन हो रहा होता है। और क्या आप इस बात की जिसारत करेंगे जिस तरह से दफ्तान से ईरान से बल्गारिया और दीगर ममालिक के अंदर ये एजेंट जो है पाकिस्तान की हदूद को इस्तेमाल करते हुए, पाकिस्तान की सरहदें इस्तेमाल करते हुए दूसरी सरहद के अंदर दाखिल होते हैं? वज़ीर आज़म साहब से ये कहूंगा और पूछूंगा, और ये मेरा सवाल भी है और पाकिस्तानियों का सवाल भी है, जो तकरीबन अभी तक बताए जा रहे हैं 400 के करीब या जितने भी हैं पाकिस्तानी जो हैं इसके अंदर इस हादसे का शिकार हुए और महज 12 वो लोग बचे हैं। उस माँ, वो जो माँ रो रही है, वो जो बहन रो रही है, वो जो बूढ़ा बाप रो रहा है, वो जो भाई रो रहा है अपने भाई के लिए, अपने बेटे के लिए, अपने भाई के लिए, जो माँ बाप बहन भाई जो भी रो रहे हैं, उनका ये सवाल ज़रूर है। ये जो एजेंट जिनके बारे में अब आपको फौरन से पता चल गया कि उसके अंदर कौन सा एजेंट मुलव्वस था, लेकिन जब वो ये सब कुछ कर रहे थे, ये कार्रवाई कर रहे थे, तब आपको पता नहीं चला कि वो एजेंट क्या कर रहा है। और अब आपको उस एजेंट के बारे में एग्जैक्ट उसकी लोकेशन, एग्जैक्ट उसका पता, एग्जैक्ट उसका नंबर आपको मिल गया है, लेकिन जब वो ये सारा गैर कानूनी काम कर रहा था तब आपको नहीं पता चला। तो मेरे ख्याल से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को एक जुर्रतमंदाना फैसला करना होगा और फिर उन काली भेड़ों के हवाले से भी उनको फैसला करना होगा जो इसके अंदर मुलव्वस होते हैं। कोई एक घर दूसरे घर में इस तरह नहीं पार किया जा सकता। उसके अंदर वो जो उसके मुहाफिज होते हैं, उस जगह के मुहाफिज होते हैं, उसके भी वो जिम्मेदार होते हैं, उनसे भी सवाल किया जाए जब उनकी निशानदही हो जाए। वो एजेंट जो आपने पकड़े हैं वो बताएं कि हम फलां फलां जगह से जाते हैं, फलां फलां लोग हमारे साथ मुलव्वस होते हैं, तो उनको भी पकड़ें, सामने लाएँ और उनको कैफरे किरदार तक पहुँचाएँ।